ये गाड़ी है टाटा 400 गोल्ड एस टाइप, इसमें टोइंग क्रेन बनी है, ये आगे दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसमें टाटा आंध्र प्रदेश से आई है ये टाटा 400 गोल्ड, ये आपको इसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये गाड़ी बनी है विशाखापट्टनम के लिए, ये रही टाटा 400 गोल्ड में, इसमें कई फिश सिस्टम लगे हैं, चार लीवर ऑपरेटिंग चार लीवर है इसमें, और इसमें एक खास है इसमें डॉली व्हील, ये डॉली व्हील लगे हैं इसमें, जैसे हमारे कार को डैमेज कार को उठाते हैं, ये बैक साइड से फ्रंट टायर को उठाएगी कार के, इसमें हमारे ये डॉली व्हील इसमें हमारे पिछले टायर को भी उठा लेगी, जो कि कार जीरो किलोमीटर रनिंग होगी, और कहीं भी ले जाओ, पीछे ये मैनुअल सिस्टम है, ये पीछे लग जाएगा पिछले टायर को, और फ्रंट टायर को मेरे ये अंडरलिफ्ट उठाएगी, तो इसमें ये फंक्शन भी है, चाहे कार लॉक हो, चाबी बीच में रह जाए, चारों पहिए जाम हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये सभी काम करेगी, ये है डॉली व्हील, इसकी दूसरी साइड दिखा रहा हूँ आपको मैं, इसमें ये सिस्टम है, इसके बीच में एक रॉड भी होती है, वो अंदर कैबिन में रखी है, हम यहाँ पर रखते हैं, ये डॉली व्हील का सेट है पूरा, इसके साथ दो बेल्ट भी देते हैं हम साथ में, वो गाड़ी में अंदर रख दिया हमने, ये सिस्टम इसके साथ है सब, ये लगा इसमें, ये डॉली व्हील का सिस्टम है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है डॉली व्हील कमल केन डॉली व्हील के नाम से, तो इसमें आप देख भी सकते हैं रनिंग हुआ इसका, कैसे इसका यूज़ करते हैं, कैसे ये लेके जाती है, सब उसमें दिया हुआ है। नंबर दो, इसमें ये स्पेशल हैवी ड्यूटी में टोइंग हुक लगी है, जिससे आपकी कोई भी चीज़ जिससे आप टो करके ले जा सकते हैं, टोचन है फिक्स टोचन, ये खुल भी जाता है इधर से, चाहे आप खोल लो चाहे इधर से खोल लो, फोल्डिंग भी हो जाता है, ये फोल्डिंग है, आप इसको निकाल के अंदर टूल बॉक्स में भी रख सकते हो, अगर यूज नहीं लेना तो, और इसमें कुछ भी बांधो आप, जनरेटर खींच के ले जाओ, ट्रांसफार्मर ट्रॉली कुछ भी लेके जा सकते हो, ये बहुत हैवी ड्यूटी में बना है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ज़बरदस्त, ये हमारा फिक्स टोचन, इसको बोलते हैं फिक्स टोचन हम, और जिसमें हम ये हमारी पार्किंग लाइट उसके ऊपर कवर लगाया हमने, बहुत बढ़िया सा स्टाइल सा, इसमें रेडियम टेप पीछे से लगी है, और इसमें एक और चीज़ स्पेशल है जो इस गाड़ी में मैं दिखा रहा हूँ, कि कस्टमर के अपना इसमें जैक जो ऊपर बूम में जैक लगा है बहुत लंबा है, ये 6 फुट का जैक है, और ये 6 फुट का जैक ये 5.5 फुट तक काम करेगा, ये 6 फुट का अपन ने बूम में जैक लगाया ये, तो ये भी हाइड्रोलिक से बूम बाहर निकलेगा, 5 फुट तक बूम इसका बाहर निकलेगा, वैसे नॉर्मल हम 4 फुट से निकालते हैं, पर इसमें जैक 6 फुट का लगाया है, आप 5 फुट तक सेफ निकाल सकते हैं इसको, ये 5 फुट तक इसका निकलेगा जैक। अभी हमने एक और चीज़ अपनी गाड़ियों में सिस्टम चेंज किया थोड़ा सा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पिन है, ये ग्रीस के लिए ये सब हमने लगाई है, इसमें ये स्पीड पिन खत्म कर लॉक डाला है इसमें हमने, यहाँ पर ग्रीस निप्पल लगेगी सभी जगह भी, सब ऊपर भी नीचे भी अंदर भी बाहर भी, देख रहा हूँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ग्रीस निप्पल लगेगी, लॉक लगेगा, अब मैं कमल केन की तरफ जितनी भी मूवमेंट वाली साइड है सब पे ग्रीस निप्पल लगेगी, अब CNC मशीन पे ये सब सिस्टम हमने चालू करवा दिया, इसमें रोप लगा है 12 mm का, जो विंच वायर रोप से काम करेगा, ये विंच वायर रोप, इसमें 12 mm का रोप है, और ये 1 टन से लेके 1.25 टन तक ये कोई भी चीज़ इसे आप उठा के जा सकते हो, इससे सीट कवर पर ये गद्दी भी लगी है, पर ये ऑनर ने जो गाड़ी का मालिक है उसने खुद लगवाई है, पर लगी है, ये आपको दिखा रहे हैं, और इसमें ये लाइट्स हैं जो डिम लाइट्स, ये डिम लाइट के साथ चलती है, इसमें फॉक्स लाइट भी है और ये लाइट भी है, ये साथ में पार्किंग लाइट के साथ, ये आउटर लाइन पे जो आपको लग रही है ये आउटर लाइन से पार्किंग से चलेगी, बाकी फॉक्स लाइट इसमें बहुत तेज तक लगा रहे हैं, ये एक इसमें ये नई चीज़ लगाई है, ये ऊपर चढ़ने के लिए ये पकड़ने के लिए स्टैंड हमने, जैसे हमने ऊपर चढ़ के ऊपर गाड़ी के ऊपर
चढ़ना है तो इसी को पकड़ के भी ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये इसमें हमने कलर में नया चेंज किया थोड़ा सा, आपको कलर कैसा लगा है बताना। इसमें ग्रीन और ये रेड चेरी टाइप लुक है, इसमें थोड़ा चेरी बन में है, प्योर रेड नहीं है ये। ये कलर नया हमने निकाला थोड़ा, और इसमें ये फुटरेस्ट भी लगाया हमने, जिसमें हम पैर रख के ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ से पैर रख के यहाँ से पकड़ के हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं। और इसमें ये साइड में ग्रिल भी लगाई है हमने पाइप की मोल्डिंग करके, और इसमें एक बम्पर लगाया हमने बहुत बढ़िया सा, ये फ्रंट बम्पर जो गाड़ी के साथ तो नहीं लगाते हम, एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज करते हैं ये हुक के भी और बम्पर के भी। ये बम्पर हमने इस गाड़ी में लगाया स्पेशल। ये आपको कैसा लग रहा है देखो, गाड़ी की लुक दिखा रहा हूँ थोड़ी दूर से। गाड़ी का फ्रंट बम्पर हमने जो कंपनी फिटेड था वो उतार के इसमें चैनल का बम्पर लगाया है। इसके ऊपर ही हमने इसका फ्रेम बनाया है थोड़ा साइड में, ये साइड देखने के लिए थोड़ा देखो। ये मैं आपको साइड से लुक दिखा रहा हूँ इसकी, ये हमारी गाड़ी की लुक है। इसमें एक और चीज़ मैंने नई बनाई है जो औरों में नहीं बनाता, इसमें स्पेशल है। थोड़ा आपको पहले दूर से दिखा दूँ फिर आपको पास में दिखाऊँगा। इसमें हमने एक जो इसकी कनोपी छतरी है उसका स्टाइल चेंज किया है, और इसमें स्पेशल लगाई है। ये छतरी चौड़ी ज़्यादा है, ये देखो ये आम छतरी से अलग है, डिफरेंट है। तो इसमें आपको ये छतरी अंदर से भी दिखा रहा हूँ, ये छतरी देखो ये इसमें डिफरेंट बनाई है हमने इस वाले मॉडल में, थोड़ी चौड़ाई में है। और इसमें ये स्टैंड है ऊपर चढ़ने के लिए, ये भी दोनों साइड लगाया है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड लगाई है। पीछे रेडियम लुक लगा, इसमें रेडियम टेप से लगाई है जो दूर से चमकेगी 3mm, और रेडियम हमारी ये भी लगी है फ्रंट। ये तो हमारा लोगो है जैसे हम हर गाड़ी में लगाते हैं। ये देखो पीछे से लुक दिखा रहा हूँ इसकी मैं आपको, ये हैवी ड्यूटी में थोड़ी गाड़ी बनी है। ये हमारी रॉड्स टायर उठाने के लिए, ये हमारे कुंडे जो बेल्ट बांधने के लिए, जब आप कार लेके जाएंगे तो इसमें बांध भी सकते हैं। मैंने आपको पेन के लिए बताया था, ये सब हमारे इधर ये ऐसी सिस्टम सब बढ़िया होगा। इसमें आप इसको निकालोगे, ये लॉक खोल के इसको निकालोगे तो टायर फ्री हो जाएगा। इसको आप लगा के कार के पिछली साइड लगा सकते हो, एक इधर दोनों साइड कार के, और उसके साथ आप मेरी वीडियो देख सकते हो उसमें लगा है। तो ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हैं, ये गाड़ी मैंने थोड़ी स्पेशल बनाई है, आप देख सकते हो लुक भी और कलर भी, कलर कॉम्बिनेशन भी। और कलर की ये जो बीच में रेड वाला कलर है ये थोड़ा चेरीपन में है, चेरीपन में है और थोड़ा अलग लुक है इसका। ये फ़ोटो में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है और देखने में थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी पीछे सेंसर लगे हैं जो कंपनी के सेंसर हैं, ये सेंसर पीछे लगे हुए हैं कंपनी के। और ये दोनों साइड लाइट, एक इधर भी है और छतरी के नीचे भी है, ये आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोलिक विंच, ये हाइड्रोलिक विंच है हमारा, पाइपलाइन आ रही है। हम हर पाइपलाइन को क्लैंप से कवर करते हैं, कोई भी पाइपलाइन हो। जैसे ये देखो हमने ये पाइप जा रहा है, क्लैंप से हमने इसको कवर किया। हमारी ये पट्टी भी स्पेशल है, इसमें बूम को हमने ये सपोर्ट दिया है साइड से। पर इसमें आपको बताऊं, इसमें ये हमने ये पाइप है जो ये हमने बूम बनाया है, इसका बूम भी स्पेशल क्वालिटी के मटेरियल से बनाया है जो डबल एक्स्ट्रा लोड लेने के काबिल है। जैसे आप बात दूसरी गाड़ियों में मेरे देखते लोड उठाता है, इसमें उससे डबल लोड भी उठाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने इसी स्टाइल से ये गाड़ी बनाई है तो इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको स्पेशल। थोड़ा बारीकी से दिखाता हूँ कलर का, देखो कलर हमारा, ये मैं आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ थोड़ा पास करके, देखो ये हमारा जो हम इसमें कलर करते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट कलर करते हैं। ये पाइपलाइन बाहर से देखो, मैं आपको क्लोज से दिखा रहा हूँ, इसका पेंट बहुत चमक है इसमें पेंट में भी। और
ये हमारी पट्टियाँ डालने की थोड़ी सी अलग लुक नज़र आती है इससे, जो हमने ये लगाया। देखो आप, ये गाड़ी को साइड से दिखा रहा हूँ आपको मैं, अभी गाड़ी के चारों साइड से आपको दिखाता हूँ दूर से, फिर इसके मालिक को इंट्रोडक्शन कराऊँगा आपकी, गाड़ी कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। ये देखो आप, ये हमारी टाटा 407 गोल्ड, टाटा 407 गोल्ड पे हमने बनाई है 2900 व्हील बेस, ये 2900 व्हील बेस बनी है ये गाड़ी। तो ये हमारा सिस्टम दिखा रहा हूँ आपको सब, ये वर्कशॉप है कमल की। आज दो गाड़ियाँ डिलीवरी हैं, एक ये बाहर खड़ी है, अभी इसकी वीडियो बनानी है। और इसमें ये थोड़ा अलग से कुंडे लगवाए हैं दो सेपरेट, यहाँ पर रॉप के साथ ये संगल लगेगा, जो आप एक्शन गाड़ी लगा सकते हैं इसके साथ। वो हुक अंदर टूल बॉक्स में पड़ा है, तो चैन मिलेगी, दो हुक लगे होंगे उसमें, जिसे आप सेंटर बनाने के काम आती है। तो अभी हम इसमें एक खास टूल बॉक्स और बनाया है, ये टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स एक अलग बनाया है, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, लॉक भी लगेगा इसको, डबल लॉक लगेगा। ये इसमें टूल बॉक्स ये लगा, ये गाड़ी थोड़ी अलग लुक है मेरी गाड़ियों से, बाकी से डिफरेंट है। तो अब इसके मिलाएंगे आपको ओनर से, ओनर से आप बात करेंगे अभी। तो ये आ गए इनके ओनर, थोड़ी पीछे ये रे ओनर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंग बाबू। रंग बाबू, कहाँ से हो आप? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से रंग बाबू। तो आपको गाड़ी कैसी लगी है ये? दिल खुश हो गया जी। अच्छा, तो बाकी गाड़ियों से जो बनाई है या देखते हो बाकी गाड़ी जो बन भी रही हैं, उनसे डिफरेंट आपको लग रही है गाड़ी? बहुत डिफरेंट लग रही है। अच्छा। बहुत बंदा मेरे को अभी तक बहुत बंदा फोन किया था मेरे को। अच्छा, ये स्पेशल बनवाया। हाँ, कमल जी ने थोड़ा सा स्पेशल आपने बनवाया। मैं भी बोला था इसको। हाँ। कमल जी ने दिल से बनाया मेरा गाड़ी को। नहीं, बनाते तो सभी दिल से हैं, पर आपने जो फीचर स्पेशल लग रहा है, जो फीचर अलग लगवाए हैं वही हमने लगाए हैं, जो हर कोई नहीं लगवाता, जो समझता है गाड़ी के, वो भी हर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वही इसमें लगाए हैं हमने। जैसे डॉली व्हील हो गया, बूम का जैक लंबा हो गया, पीछे हुक हो गई, और इसमें जो कनोपी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा लगाई है, छतरी। हाँ, छतरी होगी, जो कनोपी छतरी, जिसको छतरी बोलते हैं, कनोपी बोलते हैं, ये सब। और टूल बॉक्स एक नीचे सेपरेट लगाया है, और आगे बम्पर लगाया है सेपरेट। ये सब चीज़ें आपने लगवाई हैं तो हमने लगाई हैं। आपने लगाया है जी। तो ठीक है, पैसे आपने भरे भाई। ये भी आपने लगाया था, खुद लगाया था ये। चलो ठीक है, हमने इतनी बढ़िया गाड़ी बनाई तो चलने के लिए। ये भी आपने बनाया था, खुद बनाया था। चलो कोई बात नहीं। तो क्या गाड़ी आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। और देखी कोई गाड़ी ऐसी रोड पे चलती या कुछ ऐसा? कलर का कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। आपने सब कलर आपने सेलेक्ट किया था, मेरे को बहुत मजा आ गया। अच्छा, चलो। अब कितनी गाड़ियां है ये आपकी? ये पांचवा गाड़ी। पांचवा गाड़ी है। तो पहले कहाँ से बनाई है बाकी गाड़ियाँ? पहला गाड़ी मैं खुद बनाया जी। अच्छा, पहला रिकवरी बनाया था। अच्छा। इसके बाद सारा गाड़ी आपका पास है। कमल ग्रेन के इधर बनी, अम्बाला में। अच्छा, तो बाकी गाड़ियाँ कितने साल हो गए आपके पास बने? 6 साल से बना रहा हूँ। 6 साल से बना रहा। तो 6 साल में आपने ये गाड़ी बनाई, 6 साल, ये छठी गाड़ी है आपकी, ये पांचवी गाड़ी है। पांचवी गाड़ी है। तो पांचवी गाड़ी में आपको कोई मेंटेनेंस आया जो पहले कितने टाइम से? नहीं जी, कुछ नहीं आया। सन कौन से सन से आप मेरे पास आ रहे हैं जी? आपका पंजा की वजह से मैं आ रहा हूँ। चलो, पंजा कौन सी? गाड़ी भी मजबूत रहता जी। अच्छा, कोई मेंटेनेंस नहीं। अच्छा, कोई मेंटेनेंस आपका वजह से कोई मेंटेनेंस रहता। अच्छा। गाड़ी का मेंटेनेंस अलग है। अच्छा, आपका कुछ बनाया था इसी के बारे में कुछ मेंटेनेंस नहीं। अच्छा, तो मेरी गाड़ी में कोई मेंटेनेंस नहीं आया जो कमलगंज के इधर बनी है? नहीं नहीं। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगाया आज तक आपने? छह साल हो गए आपको मेरे पास आते। हर साल एक गाड़ी बनाते हैं आप? हर साल। तो मतलब 6 साल में आपने मेरी गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं किया? कुछ भी चेंज नहीं। कोई पैसा नहीं लगाया? पेंट भी नहीं डाला। पेंट भी नहीं डाला। चलो, जो पहले पेंट होता था इसे हमने क्वालिटी बहुत बेटर कर दिया है। पर चलो, अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपसे। ये आपको मैं एक इसका डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, और एक ये वॉच दे रहा हूँ, छोटी सी गिफ्ट, ये टाइटन की वॉच। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हूँ, धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको गाड़ी। अब ये गाड़ी डिलीवरी लेके जा रहे हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, रंग बाबू जी। तो
ठीक है। बाकी कैसे लगी आपको गाड़ी ये मैं दिखाता हूँ। ये देखो आपने डिफरेंट गाड़ी बनाई है थोड़ी सी, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं आपको दिखाते दिखाते थोड़ा ज़्यादा ही स्टाइल में चला गया। ये देखो ये गाड़ी, और अब ये डिलीवरी हो रही है विशाखापट्टनम, अम्बाला टू विशाखापट्टनम जा रही है। थैंक यू, कैसी लगी बताना मेरे को प्लीज़।